उदास चेहरे और बोझिल आंखें बीते रात की कहानी बयां कर रही हैं। वो सांझ का सुकून न जाने कब खौफजदा चीखों में तब्दील हो गया। एक बेहतर कल की आस थी, पर अब तो आज भी भारी पड़ता है। न जाने कब ये जहर इनकी खुशियों का दम घोट गया। शुरुआत तो शौक से हुई, पर अब शराब बुरी लत बन चुकी है। पीता एक है, पर दंश झेलता है पूरा परिवार और समाज। गांव की खुशहाल आबोहवा में शराब का जहर बड़ी तेजी से फैलने लगा है, जिसका नतीजा है पारिवारिक कलह, गरीबी, बीमारी और मौत। पर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। संगठन की शक्ति शराबखोरी पर भारी पड़ने लगी है। एक ऐसे ही बदलाव की आंधी बिहार के एक गांव से चल पड़ी है। गया जिले के खीजरसराय प्रखंड स्थित सिमरौका गांव की महिलाएं भी गांव में हो रहे शराबखोरी से बहुत दुखी थी। जब तीन तीन वो शराब का दुकान खुल गया तो दीदी बढ़िया से बचत भी न करे, बढ़िया से लेन देन भी न करे। हम लोग जो ले अथी करने लगे, सब दीदी करने लगे कि कहाँ से दिए दीदी, हम लोग तो शराब में बर्बाद हो गए, हमार मर्दाना पी ले का तो बाल बच्चा भूखे रह जा है। घर में आवा हलन नशा में तो गाली गलौज भी कर हलन, जकरा से बहुत अत्याचार बढ़ा दिलन हल, बाल बच्चा के मार हलन, हमरियो मार हलन। घर घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है दारू पीने के लिए, और जीना मुश्किल था, घर से बाल बच्चा को निकलना मुश्किल था, कोई सरबहदा पढ़ने नहीं जाती थी लड़की डर से। गाँव में ही संगम जीविका ग्राम संगठन के बैठक में महिलाओं ने इस समस्या को उठाया। ग्राम संगठन की हर बैठक में शराब बंदी को लेकर चर्चा होने लगी। शराबखोरी की वजह से बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। गांव में दो युवाओं की असमय मौत हो गई। महिलाओं की प्रताड़ना चरम पर पहुंच चुकी थी। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं था। तुरंत ग्राम संगठन की बैठक बुलाई गई और सभी महिलाओं ने बैठक में यह निर्णय लिया कि अब गांव में शराब की बिक्री नहीं होगी। सभी महिलाएं एक साथ शराब की दुकान पर पहुंची। 60-70 महिलाओं के समूह को देखकर दुकानदार घर में छुप गया। महिलाओं को अब संगठन की शक्ति का आभास हो चुका था, पर बाधाएं पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। अगले दिन गांव के दूसरे दुकानदार ने ग्राम संगठन की महिलाओं को धमकी दी कि अगर किसी ने उसकी दुकान बंद कराने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर महिलाओं ने हार नहीं मानी। ग्राम संगठन की आपात बैठक बुलाई गई। क्षेत्र के थानाध्यक्ष के नाम एक आवेदन लिखा गया। 90 महिलाओं ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए और संगठित होकर थाना पहुंची। थानेदार ने महिलाओं को आश्वस्त किया और उनके साथ जाकर गांव में छापेमारी की। दुकानदार दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। कुछ दिन बाद थानाध्यक्ष की उपस्थिति में दुकानदारों ने गांव की महिलाओं से माफी मांगी और हमेशा के लिए अपनी शराब की दुकान बंद कर दी। खुशी तो बहुत अच्छा से है कि मेरा गाँव में दारू भी बंद हो गया। तीन तीन गो शराब का दुकान था से बंद हो गया। हमनी अपना घर में बढ़िया भी खुशहाल बनी जा और सब दिन ऐसी रह के भगवान से कामना करनी कि ऐसी हमनी रही। खुशी तो अब है ये है कि अब जाते हैं और ढंग से आते हैं। अब मेरे पापा मम्मी का कोई टेंशन भी नहीं रहता कि मेरी बेटी कब गई है, मेरी बेटी कब आई है। ग्राम संगठन की इस मुहिम के भय से गाँव में ताड़ी बेचने वाले दुकानदारों ने भी अपना व्यवसाय बंद कर दिया। ऐसी ही एक कहानी खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड स्थित मालपा गांव की भी है। यहां आंचल जीविका ग्राम संगठन की महिलाओं ने संगठित होकर गांव में शराब की बिक्री बंद करा दी है। शराब बंदी की ये पहल बिहार के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इस काम को अगर अपना लें तो मध्य निषेध लागू करने में बहुत सहूलियत होगी, एक वातावरण का निर्माण होगा। जो स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन
नशा के खिलाफ अभियान चलाएगा और इफेक्टिव अभियान चलाएगा और अपने गांव में उसको बंद करा देगा तो उनको हम पुरस्कृत करेंगे। वर्ष 2015 में मद्य निषेध दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने संगम ग्राम संगठन और आचल ग्राम संगठन को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर उनके इस पहल को सराहा। हाल ही में गया, पटना और बिहार के अन्य जिलों में भी महिलाओं ने संगठित होकर शराबबंदी के लिए प्रयास किए हैं। हम इसके संबंध में नई नीति लागू करना चाहते हैं और वो नीति ऐसी हो कि हमारे गरीब के जीवन में जो आज अंधेरा है शराब के चलते वो समाप्त हो। हम चाहते हैं कि भाई गरीब घरों में खुशी लौटे, जो पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल लोग शिक्षा पर करें, पोषण युक्त आहार पर करें, उनका भविष्य बेहतर हो। और जब महिलाएं प्रसन्न रहेंगी और महिलाएं खुश रहेंगी तो मैं जानता हूं कि जो हमारी तरक्की है वो और दुगने रफ्तार से होगी। बदलाव की ये लहर गांव की सूरत बदल रही है। शराब में बर्बाद होने वाला पैसा अब परिवार की खुशहाली और तरक्की पर खर्च हो रहा है। आजाद बचपन को सपनों के पंख लग गए हैं। एक सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए खड़ा है।